अल्लाह रहम करे भाई तमाम ड्राइवर भाइयों पर। भाई जान आ गए हैं अपना बाड़ो, बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे हैं। फैन बेल्ट एक खराब हो गया तो भी चेंज करने लगे हैं, अल्लाह करे, क्योंकि जुम्मा है तो दुकानें भी सारी बंद है, तो कोई निज़ाम चल जाए तो बेहतर है। आगे भाई बॉर्डर भी बंद किया हुआ है मौलवियों ने, पता नहीं क्या कह रहे हैं कि इलेक्शनों में कोई धांधली या जो भी वल्लाह आलम, वो उनका फेल है। अभी जनाब प्रोग्राम तो बढ़ गया है जनाब, सारी गाड़ियां होटलों पे खड़ी हो गई हैं रोड बंद होने की वजह से, तो हमने भी फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए खाना वगैरह मंगवा लिया है, दाल मूँग है जनाब। तो एक मुद्दों के बाद पंखे की ज़रूरत आन पड़ी जनाब, आपका भाई तो कैद हो गया बेडफोर्ड कैबिन के अंदर, फुल बदमाशी थी भाई डब्बे के अंदर है। एक बंदे ने टांगे उधर को करके लेटे हैं, एक बंदा इधर को टांगे करके लेटा है जनाब, और रात इसी तरह नींद पूरी करनी होती है हमने। वालेकुम जी, सुबह बखैर। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता गया खुल। अली आसिम साहब, बड़ा टाइम वेस्ट किया यार है, चले हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है, हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। लो जी सिंध को करते हैं, पंजाब को करते हैं गुड बाय, नाउ एंटरिंग इन सिंध जनाब। अल्लाह रहम करे भाई तमाम ड्राइवर भाइयों पर। चेक करें जनाब, होया भी कुछ नहीं, प्याज लोड था, समझ नहीं आई आसम साहब आया किधर से। जनाब आ गए रोड़ी कांटा पे, कांटा शंटा हो गया जनाब। बेहतरीन से देना उस्ताद, ब्लॉक के अंदर उंगल आती है आपको हॉर्न वाली। नहीं वो गाड़ी गुजरी है। अच्छा, तो माशाल्लाह जनाब अल्लाह ताला ने अमरूद से भी नवाजा काफी सिंध को जनाब, सिंध ये सारे बगा जितने भी बेर के हैं माशाल्लाह, चेक करो कितनी बड़े बड़े बेर लगे हैं जनाब। सब्जी हो गई, अमरूद हो गए हैं, और क्या, केला 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 दे खीर है ना जनाब माशाल्लाह। पंजाब शुक्र करे पंजाब वालों, अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन पानी से नवाजा है, सिंध में पीने के लायक पानी भी नहीं मिलता भाई। तो ले भाई जान हैदराबाद गुजर है आपका भाई। तो जनाब अभी एक चैलेंज रह गया, नीचे वाले रास्ते से जाना है क्योंकि मैंने गगन फाटक माल उतारना है, तो सुपर हाईवे से जाऊंगा तो सफर ज्यादा पड़ जाएगा मुझे, तो निचले रस्ते ठट्ठे वाले रस्ते से जाना है, 20-25 किलोमीटर का टोटा है, वो मैंने कवर करना है रात के अंदर अंदर तकरीबन। तो जनाब वो कवर करना है, लीटर प्लेट वाला रोड है लेकिन करना मजबूरी है क्योंकि सुबह को चलान वगैरह उधर होते हैं, तो वो रात रात को कवर करना होता है। खैर ठट्टा तक नहीं जाऊंगा, पीछे ही रुक जाऊंगा, उधर होटल पे सोऊंगा और नींद पूरी करूंगा, सुबह 5 बजे फिर गाड़ी भगा दूंगा क्योंकि सुबह माल उतारना है इंशाल्लाह। तो अभी देखते हैं जनाब, अभी मोबाइल वगैरह करने लगे आपका भाई सेफ, मिलते हैं आपको सुबह नई सुबह के साथ। हाँ जी आसिम भाई, गरीब दबा दे बदाम गुला, अभी स्टेरिंग को आज पे क्या करो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सुबह बखैर।
तो आगे थे ठठा रोड पे, लेकिन हौसला नहीं पड़ा इधर सफर करने का। जी उधर से निकले हैं ना कोटरी से, तो ये आखिरी रेड जोन होती है, इससे आगे सफर करना बेवकूफी है। तो ये देखें सारी गाड़ियां इधर आगे खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, हमने भी गाड़ी इधर पंप पे खड़ी की, क्योंकि बेवकूफ़ी है जनाब रात को सफ़र करना, सीधी सी बात है। अभी खैर सुबह सुबह निकलते हैं जनाब, माशाल्लाह सूरज का व्यू चेक करें, सफ़र को कवर करते हैं, जहां पर शाम होगी फिर वहां पर ब्रेक। देखें जनाब सारी गाड़ियां इस शाम के टाइम ही, मगरिब के टाइम खड़ी हो जाती हैं इधर। अभी जैसे जैसे भाई बंदों की आँख खुली जा रही, गाड़ियां सफ़र पे निकली जा रही हैं, तो भाई क्यों रिस्क लेना, किसी चीज़ का रिस्क लेने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो आप नींद पूरी करें और ड्राइवर से चोरों डाकुओं से बचें और निकले सफ़र पर दिन के टाइम। अभी जैसे ही दिन, एक आधी गाड़ी निकल रही है, एक आधी गाड़ी जैसे वो कह रहे कि भाई मजीद दिन चढ़ ही जाए। चेक करें जनाब,